मतलब ऐसे लोग जो किसी कारण से पाप योनि में गए हैं, चंडाल हो, कोई भी प्राणी को नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य की कैटेगरी का हो, पाप योनि की कैटेगरी का हो, चंडाल आदि का हो, वो भी अगर मेरे शरण में आता है तो वो भी परम गति को प्राप्त होता है। मतलब मेरे शरण में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकार प्राप्त है, वो कोई भी क्यों ना हो। नीच से नीच कर्म करके व्यक्ति जो दंड स्वरूप पाप योनि में गया है, वो भी व्यक्ति अगर मेरे शरण में आएगा तो वो भी अपनी योनि से बाहर निकलेगा, ये इसका मतलब है। देख सक आपकी बात हो गई जी, आपके जी दो मिनट अभी पूरे पड़े थे, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि आप कल्पना करें ये अप का मतलब भी है और वहां पे बार बार कामा लगा रहा। अभी जो गीता वर्ष के 18 संदेश दे रखा आपने उसमें भी अप शब्द का मतलब भी है जी, मतलब एंड। हाँ अब रुक जाते हैं, ठीक है। ये स्त्री के साथ क्या लिखा हुआ है? स्त्री के बाद कामा लिखा है, वैश्य के बाद कामा लिखा है, आप गौर करें। ये सब लोग मनुष्य योनि में आते हैं, पाप योनि में नहीं आते हैं। स्त्री वो पाप योनि में जाएगी जो गलत कर्म करेगी। मैं संस्कृत, ये कॉमा जो है वो ट्रांसलेशन में लगा है, मैं संस्कृत की बात। अभी का मतलब भी होता है, आप जो अभी ट्रांसलेशन दिखाया था उसमें भी आप सुकून से देखिएगा, उसमें भी अभी का मतलब और आया हुआ है। अपी, अपी किसके साथ लिखा हुआ है? जैसे ये अपी स्यु, देखिए पाप योनि के पहले जो स्यु आया है, इसके पहले ये अपी, ये और प्लस अपी, इसके ठीक नीचे शूद्रास्ते अपी आया है ना, और यहाँ पे वैश्य तथा, ये तथा अपी, ये तीनों वर्ड जो है एंड को डिलूट करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे सब में कामा लगा है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, स्त्री वैश्य शूद्र, ये तीनों मनुष्य योनि में हैं, और पाप योनि उन लोगों की कैटेगरी है जिनको दंड दिया गया है और उसके फलस्वरूप पाप योनि में गए हैं। वो भी अगर भगवान के शरण में आएंगे तो उनको परम गति प्राप्त होगी। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, यानी आपको दो मिनट आपके बाकी थे तो आप किसी और पे चले प्लीज, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है, चर्चा तो बहुत ज्यादा होगी, मगर जो आपने चीजें यहाँ पर रखी हैं उस पर मेरे सवाल उठ रहे हैं, अब क्या करूं उसका? आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, फिर सवाल करिएगा अगली बार। नहीं बहुत अच्छे, अच्छा मैं सवाल भी अगली बार करूं, आप अपनी व्याख्या आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना कि मैं गलत कर रहा हूं। आपी का मतलब भी होता है या नहीं होता, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आपी का मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैंने पढ़ा, जब मैंने जितने, और पाप योनि अलग होती है, मनुष्य योनि अलग होती है, ये भी चेक कर लीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक कह रहे हैं, आपी का मतलब भी होता है इसमें कोई शक नहीं, मगर ये किस शब्द के ऊपर लगा है ये सवाल है। सब में लगा है, गौर करिए। हाँ किधर किधर लगा है? तीन बार यूज हुआ है, पूरे सेंटेंस में तीन बार यूज हुआ है, इसलिए स्त्रियों के बाद कामा लगा है, वैश्य के बाद कामा लगा है, फिर शूद्र और तथा लगा है, शूद्र पाप योनि के बीच में तथा शब्द लगा है, क्योंकि वैश्य तथा शब्द आया है। अपी वर्ड जो है, अपी वर्ड जो है, ये किस वर्ड के साथ लगता है तो फिर कहीं भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। दो संज्ञाओं को अलग अलग करने के लिए, जैसे गाजर और मूली, मैं और आप, हम और तुम, एग्जैक्टली ठीक है। अब आप इसका अर्थ करें, अब ऊपर जो संस्कृत लिखी है ना, इसको सामने रखते हुए अर्थ कीजिएगा, क्या अर्थ बनता है? जहां मैंने कह तो दिया, मेरी बात आप समझे, इसमें मुझे जो चीज ऐड करनी थी वो ये ऐड करनी थी कि स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पाप योनि में भोग रहा हो, उसके पूर्व जन्म के जो कर्मों के हिसाब से उसको पाप योनि मिली हुई हो, ऐसे लोग भी भगवान के शरण में प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं जो है पाप योनि में पैदा होती हैं, आपने उसको महिलाओं की योनि पाप योनि नहीं, जो महिला अच्छे कर्म करेगी वो अच्छी योनि में जाएगी, वो पाप योनि में, मतलब बाय बर्थ पाप योनि में है, ये कैसे कह दिया आपसे? ये कहां आपको बर्थ मिला? इसके अलावा कहीं और से दिखा दे आप हमको। और रुक जाएं भाई, रुक जाएं, भगवत गीता के अलावा आपको दिखा दें, भगवत गीता से शुद्ध कौन सी किताब है इस वक्त? ठीक है जी, कई अच्छा, और भी वेद, और अमित भाई इसमें बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बस मुझे इतना ही कहना था, और कोई दूसरी बस बात कर लेते हैं यार। ओ यार मेरी बात सुने, आप अपना पक्ष रख के यार, ये क्या बात है? मेरा सवाल तो बीच में आपने डकार भी नहीं मारने दिया, खा भी लिया है सब कुछ, मेरा किधर गया? मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो आप ही आपने रखा है व्याकरण, आपने पढ़ी तो होगी ना, व्याकरण तो पढ़ी होगी, तभी आप संस्कृत के ऊपर बात कर रहे हैं। आपी वर्ड का मतलब भी है, मगर ये किस जगह पर लगेगा, कैटेगराइज होगा? आप कह रहे सब जगह पर लगेगा, शूद्र कहीं भी लग सकता है भाई। देखिए आपका ये प्रश्न बिल्कुल इस श्लोक के संदर्भ में ऊपर वाले वाक्य में भी लगा है एक बार, और नीचे वाले वाक्य में भी दो बार लगा है, दो बार लगा है, भी लगा और तथा भी लगा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, स्त्री के साथ लगा है सर? स्त्री तो दूसरा वाक्य स्त्री से शुरू हो रहा है, स्त्री exactly. के साथ वैश्य लगा है, वैश्य के बाद तथा लगा है। अब रुके, हाँ स्त्री, सर संस्कृत के व्याकरण के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे तो फिर रुके ना जरा, फिर देखे समझने दे, व्याकरण के अनुसार समझने तो दे मुझे। बहुत ज्यादा समय लगेगा, दूसरी पर बात कर लेते हैं।
बस ठीक है फिर चलते बनते हैं, फिर यही हो सकता है आपने रख दिया क्योंकि ना आप सुनना चाह रहे हो ना आप। नहीं मैं सुनना चाह रहा हूँ लेकिन मेरी बात समझे, इस लोग आप लोग भी बहुत ज्यादा देर तक टाइम दे चुके हैं, इसलिए दूसरी और सी चीजें थी जिसपे मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी भाई। अच्छा एक चीज मेरा कुरान पे तो ले लें, एक क्वेश्चन जो कुरान के वर्सेस थी तो उस पे तो बात कर लें, गीता भी बात करेंगे। हाँ गीता छोड़ देते हैं, गीता वर्सेस कुरान है ना, तो कुरान का भी तो मौका दें। आप ऐसे करो कुरान पे ही रख लो क्योंकि इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो आपने बहुत ज्यादा बात कर दी, मैं भी बोर हो गया हूँ। ये जो आपने भी वाला ऐड किया है, ये भी वो भी तथा इस सब चीजों का जवाब हम पहले दे चुके हुए। आमिर भाई समय बर्बाद होगा, आप मानेंगे इतना टाइम की होगा। आमिर भाई एक मिनट रुकिए, आमिर भाई एक चीज आप भाई भाई एक चीज भाई सब भाई और यार विष्णु भाई एक मिनट रुकिए यार, मछली मंडी बन गई है यार, एक मिनट रुक जाए भाई प्लीज प्लीज, विष्णु भाई मुझे ही बोलने दे, एक मिनट रुक जाए। अभी जो आपने अपनी संस्कृत के ऊपर जो आपने ऋषि पतंजलि के स्वरूप यहाँ पर गुफ्तगू करनी थी या ऋषि यास्का के स्वरूप आपने जो नुक्ते डालने थे वो आपने डाल दिए, जब मेरी बारी आई तो आपने शोर डाल दिया, समय व्यर्थ जाएगा, दूसरों को मौका दे दे, मेरे और कई बातें हैं, ये सलीका नहीं होता, ये तरीका नहीं होता। इससे पब्लिक को यह तासुर जाता है कि एक बंदा सिर्फ अपनी बात सुनाने आता है, दूसरे का पक्ष नहीं सुनना चाहता। ठीक है कितना मुझे, इतना मुझे बुरा लगा ये चीज कि एक यार मैं माजा चाहता हूं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं भाई, आप अपनी बात रख ले, अगर आप इसी पर रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल रख ले। संस्कृत के ऊपर बात की है, आप ही बोल रहा है, तथा का वर्ड यूज कर रहा है, मैं उससे संस्कृत के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जहां पर आप ही लगा हुआ है उससे क्या स्त्रियों की अलग कैटेगरी शुरू होती है, पाप योनि अलग कैटेगरी है, इसको सिद्ध कर सकते हैं हम? बिल्कुल, पाप योनि अलग होती है और मनुष्य की योनि अलग होती है, और मनुष्य की योनि के अंतर्गत स्त्रियां आती हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इतना तो जनरल आप ही समझेंगे। पाप योनि के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं, कौन सी कैटेगरी? जो लोग बुरे कर्म करेंगे, बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप वो पाप योनि में जाते हैं। अच्छा मतलब हाँ, इसका मतलब है पुरुष सारे के सारे पाप योनि में आते हैं? नहीं, मनुष्य की जो योनि है पाप योनि से ऊपर है, क्योंकि मनुष्य अच्छा, में सब लोग आते हैं। तो पुरुष कौन सी योनि में आता है? पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसकी सब कैटेगरी है, मेन कैटेगरी मनुष्य योनि जिसमें सारे मनुष्य आते हैं, सारे ह्यूमन बीइंग आते हैं। और यार जल जा यार, मेरी भाई मेरा भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुरान पे को बात करनी है कि नहीं करनी मेरा भाई? हाँ कुरान के ऊपर बात करते हैं प्लीज, हम भी बोर हो गए, बस एक चीज आप कर लो, क्योंकि ये वही सवाल मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, वही कहानी आपने दोबारा सुनानी है। हाँ, पुरुष अगर उस कैटेगरी से बाहर निकलता है तो स्त्री के साथ पुरुष आना चाहिए था, नहीं स्त्री और पुरुष दोनों मनुष्य योनि में है, मनुष्य योनि के अंदर है, तो स्त्री का जिक्र क्यों किया, पुरुष का क्यों नहीं किया? किया ना, क्योंकि जब मनुष्य योनि की बात होगी सब आ जाएंगे। किधर किया, किधर मनुष्य योनि के जिक्र ही नहीं है, पाप योनि का जिक्र है, यही तो बोल रहा हूँ। हाँ तो पाप मनुष्य योनि में, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री सब आ जाएंगे। और मनुष्य पाप योनि और मनुष्य योनि सेम है? नहीं अलग अलग है। तो फिर मनुष्य अगर कुकर्म करेगा तो पाप योनि में जाएगा, दंडित होगा तब जाएगा। जैसे जानवरों की योनि अलग, जैसे पशु योनि अलग है, अब मनुष्य जब गलत काम करेगा दंडित होगा तब पशु योनि में जाएगा, पशु योनि से मनुष्य की योनि ऊपर है। ओके टेक केयर, टेक केयर अपना ख्याल रखे, आगे चलते जी। रोहन भाई आपको ये सही, हाँ इसने डंडी मार दी विष्णु भाई ने, कहाँ पर डंडी मारी मैं आपको बताता हूँ, या अपि अगर आपको संधि विच्छेद करेंगे तो या अलग हो जाता है, या अपि, या का मतलब होता है जो, ठीक है, और अपि का मतलब होता है बी, ठीक है ना, तो वहां पे इसने बी को तो लिया लेकिन जो को नहीं लिया, ठीक है ना। और अब इस श्लोक को आप पढ़िए, सयु का मतलब होता है हो, ठीक है ना, जो भी पाप योनि से हे पार्थी, जो भी पाप योनि से, ठीक है, जो भी पाप योनि से जन्मा हो, स्त्री हो, शूद्र वैश्य हो, शूद्र जो भी हो, वो वीर गति को प्राप्त करेगा, ये असल उसका ट्रांसलेशन होगा। तो वहां पे ये यपी 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 तो चिल्ला रहा है, लेकिन उसका यपी में ये का मतलब बताना भूल गया, जिसका असल मतलब होता है, आप देख लीजिए इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और संस्कृत की डिक्शनरी भी खोल लीजिए, उसमें आएगा दोस और हु, जिसका मतलब होता है जो, ठीक है, और फिर यीशु जो 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 यहाँ पे लिखा ना शिव, यहाँ पे लिखा है जो शिव, तो उसका मतलब होता है हो, जो भी हो, मतलब उसको अगर टुगेदर पढ़ेंगे तो जो भी हो उसका मतलब बनता है, तो उसी के रूप में संज्ञा दी जा रही है। नहीं, वहां पर डंडी मार गया ना आप ही के ऊपर, सवाल पूछना शुरू कर रहा हूँ,
उधर कहना शुरू कर दिया मैंने अपना पक्ष रख दिया है, अब हाथ खड़े करके समय व्यर्थ जा रहा है, मैंने कुरान पे बात करनी, मैंने कुरान पे बात करनी। भाई आपने जो पक्ष रखा है उसके ऊपर हमारे प्रश्न नहीं है, आपत्तियां नहीं है। आप ही का मतलब भी है मगर वो लग कहां रहा है, कैटेगराइज कहां से हो गई, वो उसको तो सिद्ध करें, बिल्कुल उसको सिद्ध करें, नहीं कर रहे और बीच में बार बार टोक रहे हैं। सीधी सी बात है, ये शुरू बात इन्होंने गलत से की, पहले आके वो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अपना पक्ष रखे उसके ऊपर इरिटेट किया, फिर आके गेस्ट के बारे में इरिटेट किया, चले वहां पर उसने उन्होंने बोल दिया कि मैं क्षमा चाहता हूँ, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने अल्फाज वापस, उसके बाद टॉपिक के ऊपर आके उन्हें ऐसे टाइम वेस्ट, यार फायदा कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं। जी के एम भाई आए हैं, वो कुछ समझाना चाहते हैं, आखिरी कॉलर हमारे आज, देखता हूँ मैं जी के एम भाई होंगे। जी 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 एक बार जी क्या भाई था आपको टाइम देंगे तो जी बोले भाई जी। एक बार जी 18 का 17 ले आऊं सामने। हाँ 18 का 17 जो है ले आइए। चले मैं ला रहा हूँ जी 18 का 17 हम दोस्तों सामने ले आते हैं ताकि अच्छे से उसके ऊपर बात हो जाए। ये भाई यस्य नाहंक ऋतु भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वा पिश इमान लोकान हंत न निबद्धते। यानी कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। यही है ना, यही लिखा है ना। जी 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 सही किया जी। अब इस पर जो है एक तो मैं बात बोलूं कि आमिर भाई पता नहीं आपके साथ क्या होता है, लेकिन किताबों को पढ़ने का मजा ही अलग है। इस तरह से जो है, हाँ इस तरह से लैपटॉप के या फिर मोबाइल पे जो है पढ़ने में वो आनंद नहीं आता है जो किताब फिजिकल बुक होती है वो पढ़ने में जो है। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपसे, सहमत हूँ क्योंकि मैं खुद किताब हार्ड कॉपी पढ़ने का शौकीन हूँ, तो ये लैपटॉप वगैरह पे असल में स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है इसलिए मजबूरी है, वरना मैं खुद किताब पढ़ने का ही कायल हूँ। तो अभी कुरान जो है, अगर कुरान आपके सामने हार्ड कॉपी रहेगी तो आप उसे ही पढ़ना पसंद करते होंगे लैपटॉप वगैरह से। गीता भी ऐसे। हाँ तो इस श्लोक में एक संशय अगर कोई आधी अधूरी लाइन पकड़े कि मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है, यानी कि भगवान कृष्ण ने तो फ्री हैंड दे दिया किसी को मर्डर करने का, तो क्या यही संशय है क्या आपका, क्या यही ऑब्जेक्शन है क्या? मेरा ऑब्जेक्शन असल में ये है, मैं समझना चाह रहा हूँ ये श्री कृष्णा कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी आपत्ति ही इसमें है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि श्री कृष्णा इससे कहना क्या चाहते हैं। इस पर तो बात अगर समझाना चाहूँ तो फिर इस पर पूरा खुतबा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। इसमें लिखा गया कि अब मुझसे जो गलती हो गई कि मुझे भी नहीं समझ में आया और बाद में मैंने आपको पढ़वाया उतना 15 से 16 और ये सब, लेकिन ये श्लोक अपने में परिपूर्ण है, इसके बाद पूरी हो जाती है कि जो मिथ्या अहंकार, इसमें 3 शब्द आए हैं, मिथ्या अहंकार आया है, बंधी हुई बुद्धि आया है और कर्मों से जो बंधा हुआ नहीं रहता है, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा हुआ होता है। ये 3 शर्तें हैं, इन 3 शर्तों को पूरी करने के बाद ही जो मनुष्य मार कर भी नहीं मारता है। तो मिथ्या अहंकार इस संसार में क्या है, सबसे बड़ा है कि मैं हूं या मेरा शरीर है और मैं ही सब करता हूँ इस शरीर के माध्यम से, ये सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार का ये आधार है।
अभी आपकी बात किसी से हो रहे थे तो आपने कहा कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में भी है, कहा है ना? जी 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 जी। तो वो पुनर्जन्म नहीं है, उसमें कहा गया है कि आपको जिलाया जाएगा, कब्रों से आपको उठाया जाएगा, आपको दूसरी शरीर नहीं मिलेगी, वही शरीर रहेगी आपकी, तो पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म में क्या होता है, टॉपिक में चेंज कर रहे हैं, भाई टॉपिक में चेंज कर रहे हैं, वो मैं बात करूंगा। मेरा प्रश्न आने लगा, मेरा प्रश्न ये जी, मेरा प्रश्न इस पर ये है कि एक व्यक्ति इस मिथ्या अहंकार के अंदर जीता है कि वही अपने शरीर से कर्म करता है, ठीक है, जबकि वो नहीं करता, ठीक है, कौन करता है? बोले कौन करता है? जो प्रेरणा जो है उसके अंदर वो करवाती है, करने का माध्यम शरीर है, करता नहीं है, करने का माध्यम वो शरीर है, शरीर के माध्यम से वो करता है, ठीक है, करता कौन है? करता जो है आत्मन है, आत्मा है, आत्मा करती है। हाँ, इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है? ये 18-17 ही है ना जी, जी। मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है जी, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है, ठीक है। अब सवाल ये है, आत्मा कर्मों से बंधी होती है या नहीं? नहीं, आत्मा कर्मों से बुद्धि बंधी होती है, आत्मा जो है सारी चीजों से निरंकार होती है, और उसी को जब आदमी क्लियर कर लेता है तो आत्मज्ञान कहते हैं उसको, यानी कि अपने स्वरूप को पहचानना, जो अपना मूल स्वरूप है उसको पहचानना, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं जी। नहीं नहीं, आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहा, आत्मज्ञान और चीज है, आत्मा और चीज है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आत्मा कर्म के बंधन से आजाद होती है? हाँ, पक्की बात है? तो कर्म के बंधन में कौन बंधा होता है, शरीर या आत्मा? क्योंकि आत्मा तो आजाद है, शरीर बंधा होता है? हाँ, शरीर और बुद्धि और मन, शरीर तो बुद्धि और मन, ठीक है। तो शरीर तो कर्म करता कोई नहीं, वो तो माध्यम है, तो कर्म कौन करता है? आत्मन, आपने कहा आत्मा, ऐसे ही है? हाँ। और आत्मा कर्म के बंधन से आजाद है, तो वो कर्म कैसे करती है और कैसे भोगेगी? जी, मैंने कहा कि आत्मन के माध्यम से कर्म होता है, मतलब शरीर के माध्यम से कर्म होता है। आपने शरीर के माध्यम से कर्म होता है, आत्मन के नहीं, शरीर के माध्यम से, शरीर के माध्यम से कर्म होता है। और जैसे कि शरीर से परे बुद्धि होती है, अब इसी गीता में इस श्लोक को समझाने के लिए एक श्लोक है। रुक जाए भाई, रुक जाए, आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ गए। मैंने ये श्लोक समझना है, और आपने पहले खुद बोला था कि ये श्लोक कंप्लीट है, बोला था आपने कि नहीं, इसको आगे पीछे पढ़ने से मैंने आपको ऐसे ही तकलीफ दे दी, ये तो पूरा है। अब इधर उधर का श्लोक नहीं आपने पढ़ना, क्योंकि आपने बोला ये कंप्लीट है, ठीक है ना, आपने खुद बोला। हाँ, अब आपने चलना मेरे साथ, नंबर वन। नंबर दो, अब यहां पर कर्म के बंधन से आजाद बोला गया, ठीक है, तथापि वो ना तो जीवों को मारता है और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। ये आत्मा की बात हो रही है या शरीर की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि यानी कि जो वो व्यक्ति है, मन शरीर और बुद्धि के अंतर वो व्यक्ति है, आत्मन है, वो जब ये समझ गया तो अपना स्वरूप पहचान गया है। मैंने स्वरूप पहचानने की बात नहीं कर रहा,
मैं आपसे फर्क जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पता है क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पाँव से चलते हैं या हाथ से चलते हैं, खाना हाथ से खाते हैं या पाँव से खाते हैं? हर आपके शरीर के अंग का अपने एरिया के अंदर उसका एक कार्य है जिसके जिसकी जो वो करता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर कर्म हो रहा है उसके बंधन से, बंधन में पड़ता कौन है और बंधन से आजाद कौन है? आत्मा बंधन में पड़ती है? आपने कहा नहीं, आत्मा आजाद है, आत्मा ऊपर है। कौन फंसता है उसके बंधन में, कर्म के बंधन में? शरीर, शरीर मन और बुद्धि माया के प्रभाव से। जबरदस्त, रुकने जरा। शरीर मन और बुद्धि, ठीक है, मगर शरीर ने तो कर्म किया नहीं है, तो वो क्यों फंसता है? मन और बुद्धि की वजह से। ये अगर तीनों एक दूसरे में इंटरकनेक्ट है ना, ये तीनों एक दूसरे में इंटरकनेक्ट है। जैसे आंखें जो है, मिसाल के तौर पर मेरी बात सुनो, मैं, मेरे पास एक गन है, मैं उस गन से किसी का मर्डर करता हूँ, जेल में मुझे डाला जाएगा, उस गन को डाला जाएगा, मुझे डाला जाएगा, गन को नहीं। शरीर माध्यम था, शरीर क्यों कर्म में बनता है? माया के खिलाफ, माया के प्रभाव में बुद्धि और मन के खिलाफ। जी, माया के प्रभाव में बुद्धि और मन के कारण, माया के क्या, माया के प्रभाव में बुद्धि और मन के कारण, माया के प्रभाव में बुद्धि और मन के कारण। हाँ, जैसे कि आपने किसी को गोली मार दी, जैसे कि आपने किसी को गोली मार दी, अब उससे आपकी दुश्मनी थी, अब ये दुश्मनी का जन्म कहाँ से हुआ? मन और बुद्धि में ही तो हुआ। आखिर उसने आपका कुछ ले लिया, आपके साथ कुछ गलत किया, तो फिर तो गोली, उसकी वजह तो से गोली को भी जेल में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा? मैं ये पूछ रहा था, पिस्टल और गोली को जेल में डाला जाएगा? नहीं, पिस्टल और गोली को जेल में क्यों डाला जाएगा? तो फिर शरीर को क्यों बांधा जाता है कर्म से? क्योंकि शरीर तो नहीं करते, यही तो श्री कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर। ये देखें, मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वो जीवों को मारते हैं, तथापि वो ना तो जीवों को मारते हैं और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। तो आपने अभी कहा तो कि मन, बुद्धि, मन, बुद्धि और शरीर, इन तीनों के कोलैबोरेशन से और कोऑपरेशन से कोई कर्म होता है और यही कर्म के बंधन में फंस पड़ते हैं। तो यहाँ तो कहा जा रहा है वो कर्म के बंधन के अंदर तब नहीं फंसते जब वो अहंकार से, मिथ्या अहंकार से निकल जाते हैं। तो यहाँ सवाल यहाँ पर ये निकल रहा है कि शरीर को आपने माध्यम माना, वो क्यों कर्म के बंधन में पड़ेगा? वो इसलिए कि आप खुद को शरीर मान रहे हो ना, जिसने गोली मारी, जिसने हत्या की, उसने शरीर माना ना अपने आप को। आप ये समझ रहे हो कि सामने वाला मेरा दुश्मन है। अगर आप उसे दुश्मन समझ रहे हो तो इसका मतलब कि ऑलरेडी आप माया में हो, आप मन और बुद्धि के अधीन हो, आप माया के अधीन हो, आप आत्मन हुए ही नहीं, आप स्वयं को पहचान ही नहीं पाए और इसीलिए आपने उसकी हत्या कर दी। तो अब चूंकि आप इन सब चीजों में बंधे हुए हो, इसीलिए आपको शरीर जो है कारावास किया जाएगा या फिर आपको फांसी दी जाएगी। अगर ये ज्ञान आपको हो जाए पहले ही कि नहीं, सॉरी मैं टोक रहा हूँ आपको, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये काम किया ही नहीं है, मैं तो मिथ्या हूं, मैं तो सत्य हूं ही नहीं और ये काम मैंने नहीं किया, फिर भी मैं कर्म के बंधन में पड़ूंगा? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप, अगर वो प्रेरणा आपके अंदर होती तो आप उस मर्डर को अटेम्प्ट ही नहीं करते, आप उसको गोली ही नहीं मारते। अगर आपके पास इतना ज्ञान होता है, क्योंकि जो आप हो वही सामने वाला भी है,
अंतर ये है कि दोनों जानते नहीं है एक दूसरे, जो आप सामने वाला भी जबरदस्त ये देखे सामने, जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं, कर्तापन के, कर्तापन का मतलब होता है किसी काम को स्वयं करने का अहंकार मिथ्या हो, तो ये काम मैंने किया, ठीक है, ये नहीं कि मैं काम ही नहीं करूं, ये एक ये काम मैंने किया है इस चीज का अहंकार, अगर इस अहंकार से मुक्त हुआ जाए तो खाली कर्तापन तो वो रहेगा ही नहीं, और जो इस चीज से निकल जाएगा वो कर्म में नहीं बंधना चाहिए, वो किसी को किसी मनुष्य की हत्या करके भी हत्या नहीं करता, हत्यारा नहीं कहता, तो सही है कर्तापन का, हाँ तो कर्तापन का अहंकार जो है ये, इस पर सवाल क्या है आपका, जो कर्तापन का अहंकार जी जी सवाल मेरा ये मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त क्या है, मोह जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त, आगे बढ़ाइएगा आपका जरा श्लोक में पढ़ूं, जी मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं तथापि वे न तो जीवों को मारते हैं और न कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। जी तो मैं पूछिए, मैं बेसिकली आपके सामने ये पूछना चाह रहा हूँ आसान भाषा के अंदर, श्री कृष्णा ये कह रहे हैं कि तुमने ये 18वां चैप्टर 18वां अध्याय है, यानी भगवद गीता समाप्त होने के करीब है, समाप्त हो रही है, तो श्री कृष्णा एंड के अंदर कंक्लूड कर रहे हैं कि कर्म संन्यास की तरफ आओ, ठीक है, संन्यास हाँ के संन्यास, तुमने कुछ नहीं किया, जो हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, तुम एग्जिस्ट नहीं करते, मिथ्या, तुम सत्य नहीं हो। अब ये चीज जब आती है तो फिर कर्म जो अपना शरीर है वो कर्मों के बंधन में क्यों पड़ता है, ये सवाल है। श्री कृष्णा यहां कह रहे हैं वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ता जो जिसके अंदर ये चीज हो जाती है कि चाहे वो जीवों को मारता है। अब देखें दो चीजों में से एक चीज हो सकती है, आपने कहा कि जिस आपने एक जुमला बोला, आपने कहा जिस जो आदमी कर्तापन के अहंकार से निकल जाएगा वो कुछ करेगा ही नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि भगवद गीता में यहां लिखा हुआ है कि यद्यपि वो जीवों को मारते हैं तथापि वो ना तो जीवों को मारते हैं और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं, यानी इसका अनुवाद या अर्थ ये निकलता है कि कोई व्यक्ति अगरचे जीवों को मार रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, मगर फिर भी वो हत्या नहीं कर रहा। सवाल ये उठता है कि वो हत्या कर भी रहा है और हत्या नहीं भी कर रहा, तो फिर शरीर कर्म के बंधन में क्यों फंसेगा जब वो हत्या कर ही नहीं रहा। सत्य तो एक ही है ना कि वो जीवों की हत्या नहीं कर रहा, क्योंकि उसका कर्तापन है ही नहीं। नहीं तो इसको ऐसे समझिए ना कि अगर इबलिस को मारेगा तो उसकी हत्या को क्या उसको सजा मिलनी चाहिए, इबलिस को अगर कोई मार देता है तो, इबलिस जो डायरेक्टर है, मैं हाँ इबलिस एक डायरेक्टर है ना, एक तो उसको जब इतना ज्ञान हो गया है कि जो वो करता है वो मिथ्या अहंकार में नहीं है और जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है और जो नहीं वह अपने कर्मों में बंधा है, तो इसका मतलब कि वो जो भी काम करेगा वो विश्व कल्याण के लिए करेगा, समाज के कल्याण के लिए तो करेगा, जैसे कि जबरदस्त। अब सुने भगवान राम, सुने नंबर एक, यहाँ पे इबलीस की बात नहीं हो रही, जीवों की हत्या और जीवों को मारने की बात हो रही है, हिंसा की बात हो रही है, नंबर एक, ठीक है, इस श्लोक में। तो इसमें कोई इबलीस की या रावण की या इन चीजों का जिक्र नहीं मिल रहा, और आपने कहा था ये श्लोक कंप्लीट है, जीवों को मारने की बात हो रही है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज यहाँ ये समझनी है कि वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ता, सवाल ये है, आपने गौर करना है इस चीज की तरफ, वो ये है कि अगर वो करता ही नहीं है ये काम और अगर वो किसी बुरे को मारता है तो कर्मों के बंधन में
पढ़ने ना पढ़ने से फर्क क्या पड़ रहा है? अगर उसने अच्छा काम किया है, सोचें जरा, कर्म के बंधन में पड़ने का मसला तो तब पड़ता है कि जब किसी व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हों जो पाप हैं, दृष्ट हैं, यानी दोषित है वो बंधन।